देशभर में विजयदशमी की धूम, जगह जगह जलाए गए रावण के पुतले। दिल्ली में पीएम मोदी ने किया रावण दहन। दिल्ली के लाल किले में रावण दहन का कार्यक्रम, राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने राम लक्ष्मण को लगाया तिलक। दिल्ली में राहुल और सोनिया गांधी की मौजूदगी में रावण दहन, दशहरा उत्सव में उमड़ी हजारों की भीड़। दशहरा उत्सव में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार का वीडियो वायरल, मुख्यमंत्री के हाथ से छूटता नजर आया तीर कमान। दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे ने किया शक्ति प्रदर्शन का, शिवाजी महाराज शिंदे सरकार के लिए सिर्फ वोट बैंक। पीएम के अर्बन नक्सल गिरोह वाले बयान पर खड़गे का पलटवार, बीजेपी को बताया आतंकवादियों की पार्टी। 17 अक्टूबर को हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह, पीएम मोदी सहित बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे मौजूद। पाकिस्तान के मंत्री ने भारत पर लगाया बड़ा आरोप, कहा एससीओ सम्मेलन में बाधा पहुंचा रहा भारत। गुजरात के मेहसाणा में एक कंपनी की दीवार गिरने से 9 मजदूरों की हुई मौत, हादसे पर पीएम मोदी ने भी जताया दुख। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की ईवीएम पर शिकायत को लेकर के बयान, बोले हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को नकारा। तमिलनाडु में रेल हादसे के जांच के लिए बनाई गई कमेटी, रेलवे ने दिए जांच के आदेश, मेन लाइन से अचानक लूप लाइन पर गई थी ट्रेन। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में मालगाड़ी से टकराई मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस। दिल्ली में 7,600 करोड़ की कोकीन बरामद, ईडी ने दर्ज किया मामला। पूर्व कांग्रेस नेता तुषार गोयल के ठिकानों पर ईडी की रेड। एमपी के श्योपुर में पुलिस की गाड़ी पर पथराव करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, विजयपुर पुलिस ने बाजार में निकाला तीनों का जुलूस।